जा रहा हूँ बहुत सारा फिश, और देखिए बहुत वेराइटीज ऑफ फिश है। ये है छोटा फिश, ठीक है, और ये है बड़ा फिश। तो दोनों का अलग अलग प्रिपरेशन होगा, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बनाने जा रहे हैं। अभी सबसे पहले हम लोग छोटा फिश बनाएंगे। छोटा फिश को थोड़ा फ्राई कर लेंगे एकदम हाफ फ्राई, और उसके बाद फिर ग्रेवी करके डालेंगे एकदम। और बड़ा फिश का बनाने का तरीका अलग है। ये तेल बिल्कुल गर्म हो गया है, और इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके करना है इसको, बस ज्यादा नहीं फ्राई करना, बस 2 मिनट फ्राई करना है, क्योंकि हम लोग हल्का ग्रेवी भी करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है, ज्यादा फ्राई करेंगे तो हड्डी रह जाएगा सिर्फ। तो ये छोटा वाला मछली हम लोग का फ्राई हो गया है, ये देखिए बहुत मजा आने वाला है आज। और अभी बड़ा मछली फ्राई करने जा रहे हैं। तो कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, ये बड़ा फिश जो है अभी हम लोग फ्राई करेंगे। तेल भी गरम हो गया है, थोड़ा तेल चला लेते हैं। तेल गरम हो गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया गरम हो गया है। तो अभी फ्राई करते हैं। हम डाल दिए हैं और ये फ्राई हो रहा है, फ्राई हो रहा है। एक बार हम निकाल चुके हैं फ्राई करके, ये देखिए बड़ा वाला ऑल राउंड डाल दिए हैं मछली फ्राई होने के लिए। इसमें माथा भी है मछली का, देखिए बहुत अच्छा फ्राई हो रहा है, ये देखिए। फिश का ग्रेवी तैयार हो रहा है। जब ग्रेवी तैयार हो जाएगा, देखिए फिश का ग्रेवी तैयार हो रहा है, और ग्रेवी तैयार हो जाएगा तो इसमें जो फिश फ्राई किए हैं वो हम लोग डालेंगे। तो काम जारी है, फिश का प्रिपरेशन चल रहा है तैयारी, और थोड़ी देर में फिश तैयार हो जाएगा और फिर खा के बताएंगे कैसा बना है। हालांकि कितना बढ़िया कलर आ रहा है, अभी और भी फ्राई होगा क्योंकि सरसों है, सरसों फ्राई होने में टाइम लगता है। छोटा वाला फिश बना रहे हैं, ये देखिए वैसे तो प्याज ऑप्शनल है, लेकिन मेरे को लगता है प्याज देने से थोड़ा सा ग्रेवी का टेस्ट अच्छा हो जाता है, इसलिए मैं प्याज प्रेफर करता हूँ। तो इसको फ्राई करते हैं, मसाला डालते हैं। यह छोटा वाला फिश का ग्रेवी तैयार हो गया है, और इसको हम इसमें डाल दे रहे हैं। ये डाल दिए, इसको ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा, थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएगा। ये कितना बढ़िया कलर आ रहा है, और एकदम ड्राई रहेगा ये फिश जो है, एकदम बिल्कुल ड्राई रहेगा। छोटा वाला फिश तैयार हो गया है, ऐसी ड्राई रहेगा और थोड़ा थोड़ा और सेट हो जाएगा। ये छोटा वाला फिश तैयार हो गया है, और बड़ा वाला का हमने ग्रेवी के लिए बर्तन चेंज कर लिया है, थोड़ा इसमें ग्रेवी डाल देंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा फिश रेडी है, अब इसका पानी खोलेगा तो इसमें हम लोग ये फ्राई फिश डाल देंगे। खोलने लगा है पूरा, अब इसमें हम फिश जो फ्राई किया हुआ वो डाल देंगे, एक एक करके, एक एक करके डाल देंगे, ऐड करेंगे। ये फ्राई फिश है, और इसमें डाल देंगे।
और ये फिश डाल दिए, इसको चलाना नहीं है, बस थोड़ा सेट हो जाएगा, थोड़ी देर खोला के इसको ये करने देंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। तो फाइनली गाइज हमारा टेस्टी फिश रेडी हो चुका है, और खाके बता दें, कमेंट करके लिखिए कैसा बना है। ये हमारा फिश भी तैयार हो गया है दोनों।